तालाब का राउंड मार लिया, सिर्फ एक कॉर्नर पे ही डस्टबिन मिला और तो कहीं डस्टबिन नहीं मिला। फिर हम कहते हैं कि ये लोगों ने तालाब गंदा किया। क्या हमने इतने लोगों की पॉपुलेशन में हमने डस्टबिन लगाने की सरकार ने हिम्मत करी? एक ही डस्टबिन मिला है मुझे यहाँ पे अभी तक। ये मेरी दरख्वास्त है यहाँ के MLA मिस्टर असलम शेख जी से, जिन्होंने ये बेंचेस स्पॉन्सर कराए हैं। सर प्लीज़ कुछ डस्टबिन भी स्पॉन्सर करा दो। पास्कलवाड़ी, मड आइलैंड, तालाब जो बिल्कुल सूख चुका है ऑलमोस्ट और जिसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, ये लोग जो इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं ना सर, वो अपना गंद कहाँ फेंकेंगे? डस्टबिन तो लगवा दीजिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। गेटिंग इन टू द पॉन्ड अगेन फ्रॉम द अनदर साइड। सो कल मैं एक था, आज हम दो हैं, शायद कल हम चार होंगे ये वीडियोस देख देख के। आओ साफ़ करके दिखाएं, एक एरिया को फोकस करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कैसे साफ़ किया जाता है। ये देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ और ये गंद, ये अभी थोड़ी देर में आपको साफ़ करके दिखाता हूँ। ये बंदा यहाँ रहता नहीं है, ये सिर्फ सफाई करने आया है आम प्रेस के वीडियो देख देख के। अभी मैं इसकी मदद करूंगा, आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, 15-20 मिनट में ये साफ़ हो जाएगा। पर वीडियो में 15-20 मिनट नहीं लगेंगे, 10-15 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि कट कर देंगे हम, एडिट कर देंगे। मनोज कुमार जी का एक गाना याद आ गया, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मेरे हाथ भी गंदे हैं, मेरा नाम पुनीत सचदेवा है, ये दो बच्चे आए हैं मेरे साथ तालाब साफ करने। क्यों? क्योंकि यह डस्टबिन नहीं है, एक ही डस्टबिन है इतने बड़े एरिया में। आओ मिलके साथ में साफ करें। मैंने आपको कहा था ना 10-15 मिनट लगेंगे, दो लोग लग गए, 5-7 मिनट में इतना एरिया साफ़ हो सकता है। तो पूरा तालाब साफ करने में पता कितना टाइम लगेगा? उतना ही टाइम लगेगा जितना आप लोग मेहनत करेंगे अपने ही तालाब में, अपने ही गांव में टाइम लगाएंगे। ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ लोगों को हिलाने की कि डस्टबिन लगाओ। एक डस्टबिन है ना पूरे कोने में, कोई बात नहीं, मैं लगाऊँ। साथ में अनजान लोग और लग गए हैं, आप भी आओ ना, देखोगे, उठ आओगे या शेयर करोगे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या जहाँ पे मर्जी आप इसको देखो। आ जाओ, भारत बदले अपने तरीके से। ये देखिए, दो गोनी कचरा पास्कलवाड़ी तालाब में से 15 मिनट में साफ़ हुआ है। तीन लोग थे, अगर 500 लोग हों तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, BMC की ज़रूरत नहीं है और किसी जज और कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना कचरा खुद साफ करना आता है। सुबह पॉटी भी तो करने जाते हैं ना, अपनी शरीर का कचरा साफ करते हैं ना, खुद सुसू भी तो करते हैं ना। तो आ जाओ ये तालाब को भी साफ करें। धन्यवाद। कल जब मैं आया था यहाँ पे तो 6 मई थी और ये डस्टबिन फुल था, आज खाली है, आज 7 मई है। कल मैंने कहा था 3 दिन बाद साफ होता है, क्योंकि लोगों ने बोला था, आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। देखो इतनी बड़ी दो गोनियां कचरे की हम दो लोगों ने, तीन लोगों ने, रितेश ने, सूरज ने और पुनीत सचदेवा ने आज। सूरज फेंक दे बेटा डस्टबिन में, ये लो जी, द ओनली डस्टबिन ऑफ BMC ऑल अराउंड दिस पॉइंट।